प्रिंसी बेटा, आपके लिए बनाना है, आप इसको खाओ और हाँ अपना होमवर्क कर लेना, तब तक मैं कुकू आंटी से मिलकर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी चलूंगी। नहीं बेटा, आप घर पर रहो, कुकू आंटी बीमार है ना, इसलिए उनको देखने जा रही हूँ, आप वहाँ क्या करोगी? नहीं मम्मा, मैं भी चलूंगी, एक बार बोल दिया ना, नहीं जाना है तो नहीं, जिद मत किया करो प्रिंसी। ऐसा बोलकर प्रिंसी की मम्मा चली जाती है। मम्मा मुझको तो लेकर नहीं गई, मुझे भी जाना है। मैं मम्मा के पीछे पीछे जाती हूँ और मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। मम्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मा मम्मा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, प्रिंसी की मम्मा बहुत आगे चली जाती है और छोटी सी प्रिंसी बहुत पीछे रह जाती है। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर निकल जाती है और अब वो घबराने लगती है। प्रिंसी की मम्मा तो अब कुकू आंटी के घर पहुंच चुकी थी। कुकू दीदी, अब कैसी है तबीयत आपकी? क्या बताऊं बहन, बड़ी परेशान हो गई, 2 दिन से बड़ी कमजोरी लग रही है, उड़ भी नहीं पा रही। कुकू दीदी, आप परेशान ना हो, बीमारी में तो ऐसा होता ही है, आप पालक का सूप पियो, अनार खाओ, थोड़ी ताकत आएगी। उधर उड़ उड़ के प्रिंसी थक गई थी, वो बैठकर रोने लगी, मम्मा आप कहाँ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वहां से एक हाथी आंटी गुजर रही थी। बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? उसने हाथी आंटी की तरफ देखा और रोते रोते सारी बात बताई। आंटी, मैं अपनी जिद की वजह से यहाँ तक आ गई, मम्मा के पीछे पीछे, और अब रास्ता भटक गई हूँ। मुझे बहुत डर भी लग रहा है, अंधेरा भी होने लगा है और मम्मा मुझे नहीं दिख रही है। बेटा आपको अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए थी ना, अच्छा अब डरो नहीं। हाँ आंटी, मम्मा ने बोला भी था मैं कुकू आंटी के यहाँ से जल्दी आ जाऊंगी, तब तक आप घर पर रहना, फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। अच्छा, आपकी मम्मा कुकू बहन के यहाँ गई है, मैं भी तो वहीं जा रही हूँ, कुकू बहन की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने ही जा रही थी। चलो मैं तुमको अपने साथ ले चलती हूँ। और फिर दोनों कुकू आंटी के यहाँ पहुंच जाती हैं। अरे गुनगुन बहन, आप प्रिंसी के साथ यहाँ कैसे? बहन, प्रिंसी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी और रास्ता भटक गई, बेचारी रो रही थी, मैंने देखा तो उससे पूछा कि क्या हो गया, तो उसने मुझे सारी बात बताई, तब मुझे पता चला वो तुम्हारी बेटी है और मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आई। बहन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसी को यहाँ लाने के लिए। गुनगुन हाथी प्रिंसी से बोलती है, प्रिंसी बेटा आप अभी बहुत छोटी हो, आपको अकेले घर से नहीं जाना चाहिए, आपको अपनी मम्मा की बात माननी चाहिए, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। प्रिंसी अपनी मम्मा से बोलती है, सॉरी मम्मा, मैं अब कभी जिद नहीं करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी, अपना होमवर्क भी टाइम से कर लूंगी। प्यारे बच्चों, आप लोग भी अपनी मम्मा की हर बात मानते हो ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना।